नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ तय संख्या में सुबह 5 से 9 तक। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ की प्रक्रिया सुबह 5 से 9 बजे के बीच होगी। इस दौरान प्रतिदिन अधिकतम 1500 अभ्यर्थियों को ही बुलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय और चयन परिषद के अध्यक्षों के साथ इस संबंध में 1-2 दिनों में बैठक का निर्णय ले लिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में तीनों के लिए 3 से 5 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 9 बजे तक ही शारीरिक दक्षता परीक्षा कंप्लीट कराने पर 500 अभ्यर्थियों का प्रतिदिन बैकलॉग लगेगा, क्योंकि वर्तमान में प्रतिदिन प्रत्येक चयन स्थल पर 2000 अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होती है। बता दें, सुबह 9 बजे तक दौड़ पूरी करने के लिए 1500 अभ्यर्थियों को ही एक दिन में बुलाया जा सकता है। ऐसे में शारीरिक परीक्षा लंबा खींचने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक बचे हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा के लिए क्रमवार नए सिरे से तारीख का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से पहले ही सभी केंद्रों पर मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस, दवाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने का निर्देश दे दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज 5 जिलों के लाभुकों को भेजेंगे मैया समान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना अंतर्गत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों के लाभुकों को समान राशि भेजेंगे। ये जिले रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी हैं। बता दें, नामकुम के खोजा टोली स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में 3 लाख वर्ग फीट में लाभुकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया है कि कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निर्धारित है। प्रमंडल के 5 जिलों से आने वाले लाभुकों की सुविधाएं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल में अलग अलग जिले के लिए इनक्लोजर बनाए गए हैं, जहां संबंधित जिले के लाभुकों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। इससे पहले मंगलवार को DC सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक राजीव लोचन बख्शी, SSP चंदन कुमार सिन्हा सहित कई अफसरों ने कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया है। झारखंड में अबुआ आवास योजना के लिए 4 लाख आवेदन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मंगलवार शाम तक कुल 7,56,086 आवेदन रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके लिए 1,636 कैंप लगाए गए हैं। इनमें से 70,323 आवेदन डिस्पोज और 301 आवेदन अस्वीकृत भी हुए हैं। बता दें, कुल 6,85,462 आवेदन पेंडिंग थे। वहीं कुल 7 फोकस स्कीमों के लिए 5,01,758 आवेदन आए थे। इनमें से अबुआ आवास योजना के लिए सबसे अधिक 3,99,531 आवेदन थे। वहीं सर्वजन पेंशन योजना के लिए भी 42,174 और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए 18,707, जाति प्रमाण पत्र के लिए 11,899 और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 12,667, वहीं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 8,517, आय प्रमाण पत्र के लिए 8,263 आवेदन लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में 9 नक्सली ढेर, 13 ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मंगलवार को सुरक्षा बलों संग मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए हैं। मृतकों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए। वहीं बीजापुर जिले में 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुदर राज पी ने बताया है कि जिला रिजर्व गार्ड और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलों की सीमा पर सुबह 10:30 बजे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 9 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कई हथियार भी बरामद किए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने कसी कमर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आरंभिक तैयारी के बाद प्रदेश भाजपा ने अगले चरण में सीटों का चयन करने के साथ साथ वहां वैसे प्रत्याशियों पर फोकस किया है जो सीटें पार्टी की झोली में डालने में सक्षम होगी। फिलहाल एक एक सीट पर पार्टी के रणनीतिकार माथापच्ची कर रहे हैं। स्वतंत्र एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट पार्टी के प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं विभिन्न स्तरों पर 4 एजेंसियों ने पूरे राज्य की विधानसभा सीटों का गहन सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पार्टी ने हाल ही में मिला क्या नामक प्रचार अभियान भी शुरू किया है। प्रचार की रणनीति भी स्वतंत्र एजेंसियों के निष्कर्ष का फलाफल है, जिसमें गहन शोध व विचार विमर्श के बाद वैसे बिंदु उभारे गए हैं
जो सीधे मतदाताओं के मन और मस्तिष्क में उतर सके। जामताड़ा से 5 साइबर अपराधी अरेस्ट। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेना गांव के मंदिर के पास छापेमारी कर 2 सगे भाई सहित 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी एहतेशाम वकारिम ने पत्रकारों को बताया है कि गुप्त सूचना साइबर डीएसपी अशोक राम इंस्पेक्टर जयंत तिर्की के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी कर बेना गांव से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सहरपुरा गांव के 2 सगे भाई साकिम अंसारी व रकीम अंसारी, वहीं मिहिजाम थाना क्षेत्र के बेवा गांव के शाहरुख अंसारी, नारायणपुर थाना क्षेत्र के राजा भिट्ठा गांव के सरफराज अंसारी शामिल हैं। सीएम हेमंत ने दिल्ली में झारखंड भवन का किया उद्घाटन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दिल्ली में झारखंड भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में ये जगह काफ़ी खास है। कनॉट प्लेस के बंगला साहिब रोड में इस भवन का निर्माण कराया गया है। ये बिल्डिंग बेहद ही खास है, बता दें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ कई सरकारी कार्यालय भी है, इसे देखते हुए इसका निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मांदर नगाड़े की थाप और पारंपरिक गीतों से की गई। दिल्ली के जनजातीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य गीत भी पेश किए हैं। बता दें झारखंड भवन के उद्घाटन के मौके पर राज्य की समृद्धि कला संस्कृति की झलक पेश की गई है। मजबूती से सरकार चलाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम मजबूती से सरकार चलाएंगे और आगामी चुनाव में चुनाव भी लड़कर जीतेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी साथ थी। मौके पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कई दिनों से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का संयोग नहीं बन पा रहा था, आज समय मिलने पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के सवाल पर सीएम ने कहा है कि इस पर आगे चर्चा कर रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं जातीय जनगणना पर आरएसएस के बयान के संदर्भ में हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो लोग तो बयान देंगे ही, उन्हें बयान देने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अभ्यर्थियों की मौत पर राजनीति कर रहे बाबूलाल। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दों की तलाश में भटक रहे हैं। वे उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की मौत पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षार्थियों की मौत की जाँच सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा जिस नियमावली के तहत कराई जा रही है वह पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू की गई थी, लेकिन जब परिस्थिति जन कारणों से परीक्षार्थियों की मौत हुई तो बाबूलाल मरांडी सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। रांची का ट्रैफिक रूट आज बदलेगा। झारखंड सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में बुधवार को होगा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। बता दें नामकुम और खरसी दाग समेत कार्यक्रम स्थल आने वाले सभी मार्ग पर वाहनों का परिचालन पर रोक लगाई गई है। बुधवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक यह आदेश जारी रहेगा। वहीं ओल्ड हाईकोर्ट गेट से घाघरा रोड और सदाबहार चौक तक मालवाहक वाहनों और बसों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। अदालतों की सुरक्षा पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। अदालतों की सुरक्षा और मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सरकार से पूछा है कि पूर्व में अदालत के निर्देशों का कितना पालन हुआ है, जिला अदालतों में मौलिक सुविधाएँ कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होगी। जन सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा है कि राज्य की जिला अदालतों में कई बुनियादी सुविधाएं जैसे वॉशरूम और भवन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कई जिला अदालतों के भवन जर्जर स्थिति में है, इस कारण वकीलों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लैब असिस्टेंट के लिए 56 अभ्यर्थी का चयन। राज्य के हाई स्कूलों में लैब असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए 56 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस पदों के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग को भेज दी है। इसके बाद भी रिक्त रह गए पदों को भरने के लिए आयोग ने दूसरे चरण के प्रमाण पत्रों की जाँच का निर्णय लिया है। इसमें 105 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करते हुए प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आयोग कार्यालय में बुलाया गया है।
इसमें भौतिकी विषय के लिए 32, रसायन शास्त्र के लिए 22 अभ्यर्थी और जीव विज्ञान के लिए 51 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच 13 सितंबर को दो पालियों में होगी। बता दें, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में तीन विषयों में कुल 690 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया निकली थी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हंगामा। नामकुम प्रखंड की हाहाप पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में कोई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं था। जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक राजेश कक्षप मौके पर पहुंचे तो देखा है कि सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के भरोसे कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी डीसी राहुल कुमार सिन्हा को दी। डीसी ने विधायक को बताया है कि 4 सितंबर को नामकुम के कुटियातु मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। इसकी तैयारी में सभी अधिकारी लगे हुए हैं। डीसी ने कार्यक्रम को दूसरे दिन कराने का आश्वासन दिया। वहीं पिस्का नगरी प्रखंड के कुदलोंग पंचायत भवन में मंगलवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया, जिसका वहां के कुछ ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। इससे दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक कार्य बाधित रहा है। आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार। देवघर कुंडा थाना अंतर्गत दूध कोठी के समीप किराए के मकान में रह रही एक 35 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ 4 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना मंगलवार अपराह्न 1 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी पीड़िता ने नगर थाना पहुँच कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिंग हो गई और कुंडा पुलिस सूचना दी गई। वहीं नगर व कुंडा पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर पीड़िता के बताए अनुसार अलग अलग मोहल्ले में छापेमारी कर 4 आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया गया। सभी से नगर थाना में पूछताछ की जा रही है। झारखंड में 22 सीटों पर दावेदारी करेगा राजद। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। राजद ने इस बार 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी करने का निर्णय लिया है। पार्टी जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन कर पार्टी के प्रमुख एजेंडा से अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएगी। इसकी शुरुआत 8 सितंबर को सरायकेला के श्री राम डिवाइन स्कूल सभागार से होगी। बता दें, झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने संगठन के नेताओं को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि राजद में कार्यकर्ताओं के सम्मान व स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खेलो झारखंड प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह। खेलो झारखंड प्रतियोगिता 2024-25 का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को पुनीत राय स्टेडियम धनवार में किया गया। 2 दिनों के इस प्रतियोगिता में अंडर 14, 17, 19 के एथलेटिक्स 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000, 6000 मीटर दौड़, भाला फेंक, चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, तीरंदाजी, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि खेलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में कबड्डी बालक व बालिका के बीच स्पर्धा में प्लस 2 उच्च विद्यालय डोरंडा और खो खो में उत्क्रमिक उच्च विद्यालय नावाडी, खो खो बालिका में प्लस 2 उच्च विद्यालय कुबरी और वॉलीबॉल में प्लस 2 उच्च विद्यालय धनवार के बच्चे प्रथम रहे हैं। धन्यवाद।